खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। श्री सुनील जाखर, श्री सुनील जाखर, आगे बढ़ाना चाहते हैं कि इन लोगों को एक जरिए गुमराह करवाना चाहते हैं। आप एक ऐसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को चाहते हैं जो राजनीतिकरण करते हैं, शहीद के बच्चे को, शहीद के बच्चे को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप सोचिए, राहुल गांधी, राहुल गांधी, आप सोचिए कि आपके आज आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं हर जगह जाती हूँ, यही कहती हूँ, आप जनता हो, हम इस ट्रक पे खड़े हैं, आपकी बदौलत खड़े हैं। जो भी हमको दिया आपने दिया, आपके बिना किसी की किसी नेता की हिम्मत नहीं है किसी यहाँ पे किसी मंच पे खड़े होकर आपको भाषण दे। गुरदासपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील झाकर अपने चुनाव प्रचार में आज भटाला पहुंचे हैं और भटाला की सुहाग पैलेस में वो जनता से मिलने, जनता के बीच आए हैं। एक कांटे की टक्कर यहाँ देखने मिल रही है। एक सीजन पॉलिटिशियन सुनील झाकर का मुकाबला बीजेपी के सनी देओल से है, जो एक सफल अभिनेता है और राजनेता बनने की कगार पर है। तमाम लोग यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग बताएं, आप सुनील झाकर इनको सुनने आए हैं, यहाँ कोई मुकाबला है? सनी देओल जो एक सफल अभिनेता है वो राजनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, सुनील झाकर यहाँ पर है? नहीं नहीं, कोई मुकाबला नहीं सुनील झाकर जी से उनका। सुनील झाकर क्यों, मतलब आप क्या ऐसी वजह है या क्या देखते हैं? उनको तो कोई मालूम नहीं ना सनी देओल को, तो सुनील झाकर जी तो सियासत में बड़ी देर से है और अच्छे इंसान है। चलिए आप बताएं, आप सुनील झाकर और सनी देओल में टक्कर देखते हैं या नहीं देखते हैं? टक्कर कुछ खास नहीं है। कौन झाकर साहब ही जीतेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि इन्होंने यहाँ पर 1.5 साल रहे हैं और कंटिन्यूसली आगे काम किया है। ये नहीं कि जीत गए चले गए 5 साल और फिर आ गए। बटाला आते रहे हैं और लोगों के काम होते रहे हैं। देखने आते हैं बस, एक्टर है इसलिए। अच्छा, एक्टर है। तो यहाँ झाकर साहब से मुकाबला नहीं है आप लोग मानते? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। हम तो कहते हैं झाकर 2 लाख में जीतेगा। कांग्रेस ने साढ़े सीनियर आगू ते नौजवान दिलां दी धड़कन नशनी सी। मैं माफी इस करके मांग रहा कि अज बटाला शहर की बात नहीं है साहब, आज देश की बात है। देश में जिस किस्म की विघटनकारी नीतियां बनाई जा रही है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, आज देश के अंदर न्यूक्लियर एटमी हथियारों की बात की जा रही है। कौन सी आग लगी है साहब, आप सब देख रहे हैं। कौन सा बॉर्डर के ऊपर तनाव है जिसको लेके मोदी साहब आज न्यूक्लियर हथियारों की, एटमी हथियार की बात कर रहे हैं। आज झगड़ा पाकिस्तान से नहीं, आज झगड़ा देश की जनता का और मोदी साहब की कुर्सी का। कुर्सी बचाने के लिए मोदी साहब देश की बलि देने के लिए। गुरदासपुर का सियासी गदर, एक सफल अभिनेता, राजनेता बनने की कोशिश में मैदान में उतरे हैं, तो एक दिग्गज राजनेता अपनी प्रतिष्ठा को बचाने या प्रतिष्ठा दांव पर है वो उसका सामना करने के लिए मैदान में उतरे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील झाकर जी हैं, जो पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, 3 बार ये विधायक चुन के आए हैं और पिछले चुनाव में यहीं से सांसद भी हैं। सुनील झाकर जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद और हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपको इस आपका इतनी दूर से चल के आए हैं वी आर हम बॉर्डर पे बैठे लोग हैं, ये फिल्मी बॉर्डर नहीं है, ये असल बॉर्डर है, यहाँ बिल्कुल पाकिस्तान के हम जड़ के अंदर बैठे हैं। आपका स्वागत है, आप यहाँ आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मसला है कि हमारी फौजों को जिसका जो राजनीतिकरण किया जा रहा है ये बड़ा गंभीर मुद्दा है साहब। मेरा मानना है कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो अगर अंतर है जिसकी वजह से देश हिंदुस्तान कहाँ पहुंच गया, उनको भी तभी आज़ादी मिली थी, वो आज एक फेल्ड स्टेट के नाम पे जाने जाते हैं, उसका वजह है कि वहाँ पे वहाँ की राजनीति वहाँ की सेना करती है और हमारे यहाँ जो सेना है वो राष्ट्र की सेना है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, वो कोई खाकी निकरदारी आरएसएस के स्वयंसेवकों की सेना नहीं है, वो हमारी देश की सेवा है। अब ये पंजाब के लोग जानना चाहते हैं क्योंकि हमारे खुद दीनानगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दीनानगर के मनिंदर सिंह थे, वो शहीद हुए, उनके परिवार में आज भी ये जिज्ञासा है कि पुलवामा हुआ क्यों, चौकीदार कौन था उस समय, किसकी निगरानी में ये वो कॉन्वॉय चल रहा था, 2000 ट्रक्स चल रहे हैं, देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उनको सिक्योरिटी कार्डन प्रोवाइड कराना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी, ब्लॉकेड करने, रूट इस्टेब्लिश करना, इतना हमें बालाकोट में बम डालने के लिए मिराज जहाज की जरूरत पड़ी। पर पाकिस्तान का एक टूटा हुआ सा आतंकवादी एक टूटी हुई सी कार में 300 किलो बारूद रख के पहुंच गया, 40 आदमी मार दिए साहब, ये क्या दर्शाता है क्या हम पर? इस पर सवाल उठा रहे हैं, मैं सवाल इनकी नीयत पे उठा रहा हूँ, लीडरशिप पे सवाल उठा रहा हूँ साहब, ये स्पष्ट है, जनता कह रही है, गली गली चौराहे पे ये बात हो रही है कि आज से एक साल पहले चर्चा चल पड़ी थी कि ना तो 15 लाख आए और ना ही अच्छे दिन आए, पंजाब हैज डिसाइडेड दैट मिस्टर मोदी इज नॉट फॉर देम, ही हैज टू गो, इसलिए 13 की 13 सीटें हम कांग्रेस के झोली में जरूर डालेंगे पंजाब से। सुनील जाखड़ जी बहुत आत्मविश्वास के साथ ये कहते हुए कि गुरदासपुर में एक तरफ काम है तो दूसरी तरफ फिल्मी डायलॉग्स, तो जनता को चुनना है या काम या फिल्मी डायलॉग्स या स्टार्डम, तो जनता 19 मई को चुनेगी, 23 मई को उसका नतीजा आएगा। और पंजाब में भी जो जबान इन्होंने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को दी है 13 की 13 सीटें जीतने की, उस कगार में उस राह पर वो चल पड़े हैं और इस बार पंजाब में कांग्रेस के हक में नतीजे आएंगे इस उम्मीद के साथ सुनील झाकड़ खुद की सीट के साथ साथ अन्य सीटों पर भी कांग्रेस की ताकत या बातें जनता तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन अनिल संगरे के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, गुरदासपुर।